पता आ गया। तुम लोगों का फिर से शुरू हो गया ना। अब तुम लोग ये हंसी टिटोली हो जाए ना तो बताना, हम फिर काम की बात करेंगे। जब हमने चोरनी के जूते से उतार के दिए तो हमें ना जाने बर्फ भी लगी हुई थी। नहीं कैसे, लेकिन वहां पर एक नहीं कई राज और हमारी पहेली का जवाब सब छुपा है। अगर हमें यादों की बारात तक पहुंचना है वहां फिर जाना होगा। अरे लेकिन अभी अभी तो आप जफर से जान बचा के भागे हैं, वापस जाना जरूरी है क्या? हमें जफर की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो इस चोरनी की। हमारा रास्ता काटे बिना जंगली बिल्ली का दिन नहीं पूरा होता। वो वहां फिर से पहुंच जाएगी, उससे क्या करें? दादा जान, जिन्हों के दादा जान की किताब से कोई और नुस्खा आजमा लीजिए। उस इत्र की नाकामयाबी के बाद हमें तो उस किताब पर बिल्कुल भरोसा नहीं। माफी आका, दादा जान की तरफ से। दरअसल दादा जान की किताब के नुस्खे तो काम नहीं आए, लेकिन उनके पोते जान का नुस्खा जरूर काम करेगा। सही खेल गया जिनू। अच्छा अच्छा, क्या तरकीब बताई, मुझे भी बताइए। लोटे, तुम जफर का ख्याल रखो, आका और आका की परेशानियों का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। लोटे। मुच्छर कोई हूर परी थोड़ी है कि उसकी कहानी किताब में लिखी होगी। उसके बारे में जो कुछ तू अपुन को बोली थी अपुन ने वापस तेरे को पूरा बोल डाला है पिडू। तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? बुरा मत मानना चटरपटर, मुझे तुम पर यकीन है पर बार बार याददाश्त जाने की वजह से मैं खुद पर यकीन खो बैठी हूँ। मुच्छर कौन है, उसका सच क्या है, वो है भी या नहीं, मैं एक बार फिर से पता लगाना चाहती हूँ, खुद पर यकीन करना चाहती हूँ। बोलो धीरे धीरे धीरे। आका, आप मुच्छर के बारे में क्या कह रहे थे? जीनू, आज मुच्छर मेले में आने वाला है, गोदाम के पास। मेले में? हाँ, बंजारों की बस्ती है ना, उनके मेले में अपने नए गुलाम ढूंढने। हाँ, लेकिन सुनो, ये बात चोरनी तक नहीं पहुँचनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। अलादीन के बच्चे? हाँ हाँ, नहीं पहुँचेगी, लेकिन हम तो इस मेले में नहीं जाएंगे ना। नहीं 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 नहीं, वो बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन ये बात अगर उस चोरनी और उसकी तोती को पता चल गया ना तो वो जरूर जाएंगे। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? चुप रहेंगे। चुप रहे। और ये बात किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी भी तक नहीं। तो ये बात है, निकम्मे शहजादे के पास मुच्छर की सारी खुफिया खबरें रहती हैं। और अब उनके पास भी। इससे ये बात साबित हो गई है कि मुच्छर एक बहुत ही बुरा इंसान है। पर उसके बारे में सब पता लगाने के बाद भी सब कुछ भूल कैसे गई? मेरे समझ के अभी भी बाहर। खैर, आज पकड़ेंगे मुच्छर को। तरकीब काम कर गई, शाबाश जिनू। आखिरकार तो तुम टैंक मार गए। पर इस चक्कर में चोरनी फिर मुच्छर के पीछे पड़ गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार चोरनी हमसे दूर रहेगी, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। यादों की बारात है।
अलमारी यही थी। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। अरे वो बड़ी सी अलमारी थी, यहीं पर थी वो बड़ी सी अलमारी, इसी जगह पर। बहुत बड़ी अलमारी थी वो, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? वो कहाँ गायब हो गई? ये पे तो थी। आपको पक्का यकीन है कि आपने वो अलमारी यहीं देखी थी? हाँ 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 पक्का, हमने कल वो बड़ी सी अलमारी यहीं देखी थी, कल शाम को तो यहीं था। ये कैसे मुमकिन है? अलमारी आपको शाम को दिखी थी? हाँ, अंगूठी के जिन शाम के धुंध हल्के में दिखी थी। हाँ शाम के। ना अंदर है ना बाहर है, ना दिन में है ना रात में है। सही खेल गए। ए, हाँ पहले में तो यही था, ना दिन में ना रात में। जिनू यानी कि वो अलमारी शाम के धुंधल के में दिखी। आराम से छोटे, अभी पूरी पहेली सुलझाना बाकी है। अम्मी कहती कि पहाड़ी की चोटी तक छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही पहुंचा जाता है। इरादा पक्का और कोशिश सच्ची होनी चाहिए, बस बाकी ऊपर वाला सब देख लेता है ना जिनू? हाँ हाँ भाई जरूर, इंशाल्लाह हम जरूर पहाड़ की चोटी पे पहुंचेंगे और अम्मी के हाथ बना शीर कोरमा एक पतीले में रख के खाएंगे। या अल्लाह इनकी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करना, हमें शाम का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर वो अलमारी शाम के धुंधलके में फिर से नजर आती है तो अम्मी की याददाश्त भी बहुत जल्द लौट आएगी। पर चोरनी का क्या, हम अपने मकसद के चक्कर में उस बिचारी का वक्त जाया कर रहे हैं। आका, कोई परेशानी? चोरनी, हम खामा खाव से घुमा रहे हैं। शहजादे, बड़े मियां कह गए, मोहब्बत की पहली सीढ़ी फिक्र होती है। वैसे फिक्र तो होगी अंगूठी के जिन, कहीं नचड़ी फिर से किसी मुसीबत में फंस जाए और फिर से गुस्सा ना करें। तीन, दो, एक। मेरे आका जैसा कोई नहीं, मैं जानता हूं अब वो अम्मी और पूरे बगदाद को जफर नाम के जहरीले सांप से आजादी दिला के मानेंगे। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है ना कि अगर वो निकम्मा शहजादा मेरे सामने होता तो कहा था कि मुझे मेले में होगा, 2 घंटे हो गए ना, तो यहाँ कोई मेला और ना ही मुझे। कुछ पता चला? बंजारों की बस्ती भी इधर ही है और मेला भी इधर ही लगता है बिडू। तो अभी सब कहाँ गए? अक्का दुनिया का चक्कर लगाने को गए, 2 महीने बाद लौटेंगे तब मेला लगेगा। लेकिन अलादीन और जिनू बात कर रहे थे कि मक्खन मलाई को किसी ने गलत मिले बोल दिया होगा कुछ। तेरा मक्खन मलाई इतना सीधा नहीं है चटरपटर, सच कुछ और ही है। क्या सच? जो भी है वो निकम्मा शहजादा खुद अपने मुँह से बताएगा और वो सच भी बताएगा और वो चूहा मच्छर अपने दिल से बाहर भी आएगा। मेरा बच्चा है तू। सही खेल गए, ना दिन में ना रात में, यानी शाम के धुंधलके में। ना अंदर है ना बाहर है, यानी हमारा रास्ता इस अलमारी के बीच में से होता हुआ जाता है। चलो Go!
क्या हो रहा है? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि अलमारी को पता है कि आका का असली जिन कौन है, इसलिए मैं अंदर जाऊंगा। अलमारी, हमको अंदर आने दो। कीला खा के झूमे अंदर, मैं पहुंचू अलमारी के अंदर। जी 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 क्या आका अंदर गए अकेले, कहीं कोई मुश्किल हो गई तो क्या करें? शहजादे आका, शहजादे आका। जहरीली कमी मेहमान नवाजी में नहीं, तेरी नियत में है जफर। तभी तो इतने बरसों से मुझे अपने जादुई दायरे से गिरी गुफा में कैद करके रखा है। देखो ये तो सोच सोच की और नजरिए की बात है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि हम तुम्हारी ताकत के कदरदान है। अब देखो ये आदि नागिन, आदि औरत और आने वाले कल के बारे में हमें बताने वाली सहरीली हमें कहाँ मिलेगी? मुझे सारी ताकत इस पाक आग से मिलती है और इस ताकत का फायदा तूने बहुत उठाया जफर। मैंने आने वाले कल के बारे में बता के कई बार तेरी मदद की है। अय्यार की मदद नहीं की जाती, खिदमत की जाती। इतना गुरूर मत कर जफर, मैं तेरी जादुई ताकत से लड़ नहीं सकती, पर तू भी तेरी तकदीर से नहीं लड़ सकता। एक ना एक दिन तेरी तकदीर तुझे हराएगी, ये तेरी झूठी शान, तेरी जान, ये सब छीन लेगी। बोल लिया, मिल गई तसल्ली। चलो अब काम की बात करते हैं। हम बहुत जल्द अपने मकसद तक पहुंचने वाले हैं। काला चिराग, काले चिराग का रास्ता छोटा है लेकिन कांटे बहुत सारे हैं। सभी ये जानना है कि इन कांटों को बिछाने वाला कहीं हमारी बहन शहर तो नहीं? अलमारी तो बहुत देखी है, लेकिन इतनी बड़ी और इतनी ठंडी अलमारी पहली बार देख रहे हैं। क्या वजह है? यहाँ पर इतनी ठंड है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। Yeah.
अंधेरा हो रहा है, आका अब तक नहीं लौटे, क्या करें? कुछ ही पलों में जान निकल आएगा, अगर शहजादे तब तक बाहर नहीं निकल आए तो अंदर ही फंसे रहेंगे। जफर ने यह कैसा जादू किया है, न जिन्हों अंदर जा पाया न मैं, आखिर उसका इरादा क्या है? हमें यह जानना है कि इन कांटों को बिछाने वाला कहीं हमारी बहन शहर तो नहीं। सच बता। नहीं बताऊंगी, मैं आने वाले कल के बारे में बता के अपनी ताकतों का और गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी, और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। जफर, सही कह रही है, क्योंकि अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो ये आपके जो सांप हैं, इन सांपों की जान को खतरा हो सकता है। हम इनके बिलों में आग लगा देंगे। बताओ कौन है वो बेवकूफ जो आखिर हमारे खिलाफ जाकर अपनी मौत को बुला रहा है? खोला तो शैतान मिला, पता नहीं बाकी दरवाजों में क्या है। मदद कीजिए अम्मी। हमेशा याद रखना अलादीन, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और जिंदगी के सबसे कीमती राज सबसे मामूली चीजों में छुपे होते हैं। जिंदगी के सबसे कीमती राज सबसे मामूली चीजों में छुपे होते हैं। अम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। क्या वो हमेशा के लिए अंदर फंस गए? एक बार तेरा आधा शख्स दोस्त की शक्ल में गद्दार तेरे आसपास है, हमें उसकी शक्ल देखनी है, शक्ल देखनी है।
शायद ये वही जगह है जहां अम्मी की याददाश्त मिलेगी।